किसी अंग को ही फाइनल मान बैठे थे। जैसे आप जी ने परमेश्वर की वाणी में पढ़ा, अक्सर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में यही वर्णन दिया गया है कि ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ एक वृक्ष है, एक पेड़ है, इसकी जड़ तो पूर्ण परमात्मा है मूल, और तना इसका जो अक्षर पुरुष है जिसको परब्रह्म भी बोलते हैं, जो 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है, और फिर ऊपर एक मोटी डार जो निकलती है वो समझो सरपुरुष, सरपुरुष ये ज्योति निरंजन काल ब्रह्म, और फिर 3 शाखा उस डार के आगे हो, वो रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी, तीनों गुण रूपी शाखा है। तो पुण्यात्माओं, जैसे कल भी बताया था इसके विषय में, कई भक्त ये कहते हैं अनजानपने में, जो हमारा ज्ञान नहीं सुनते, कि रामपाल तो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजाएं छुड़वाता है। नहीं, ये दास पूजा किसी की नहीं छुड़वाता, लेकिन पूजा की विधि शास्त्र अनुकूल करने की राय देता है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में और 2 और 3 4 में यही निर्णय दिया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। ये देख, ये है एक संसार रूपी वृक्ष, और जो जमीन से बाहर दिखाई देता है उसको पेड़ बोलते हैं, वृक्ष कहते हैं। परमेश्वर कबीर जी ने अपनी वाणी में कहा कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। ये तना तो अक्षर पुरुष समझो, और ये मोटी डार ये सरपुरुष, सरपुरुष यानी ये ज्योति निरंजन कहो चाहे इसे ब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो, और ये तीनों देवा शाखा हैं रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, और हम यहाँ पात रूप संसार। अब इस पूरे पेड़ की जड़ यानी इन सब का परवरिश करने वाला, इन सब का आधार कौन है? वो ये परमात्मा है, ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, और ये है कौन? ये कबीर देव है, कबीर साहब है, ये परम अक्षर ब्रह्म कहो, ये कबीर साहब है। ये वही कबीर है जो काशी में बनारस में एक जुलाहे की भूमिका करके 120 वर्ष तक एक जनसाधारण की भूमिका और अपना ज्ञान प्रचार करके सहश्री राय थे, सहश्री चले गए थे। यही वो पूर्ण परमात्मा है, इसी के विषय में चारों वेद गुणगान किया करते हैं, कर रहे हैं। अपुनात्माओं, अभी आपने ये वृक्ष देखा, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 तक यही वर्णन दिया है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, जिसकी जड़ तो परम अक्षर ब्रह्म है, और केवल तीनों गुण रूपी शाखा हैं। बीच के विषय में गीता ज्ञानदाता ने कोई जानकारी नहीं दी, मुझे पता नहीं सब ब्रह्मांडों के बारे में ना सृष्टि रचना के बारे में, उसको तो तत्वदर्शी संत ही बताएंगे। तो परमेश्वर कबीर जी आए थे और तत्वदर्शी संत की भूमिका भी उन्होंने की है, वो परमात्मा है, और यही वेदों में प्रमाण है कि वो परम अक्षर ब्रह्म, वो पूर्ण परमात्मा कबीर देव अपने सतलोक अमर स्थान से चलकर यहाँ पृथ्वी पर आते हैं और अपनी अच्छी आत्माओं को, प्यारी आत्माओं को मिलते हैं, और किस उद्देश्य से मिलते हैं, फिर उनको तत्व ज्ञान समझाते हैं। उसी आधार से परमात्मा यहां आए थे और उन्होंने ये ज्ञान बताया था। तो यहां गीता ज्ञानदाता कहता है कि यहां विचार काल में तेरे मेरे डिस्कशन में मैं इसको कंप्लीटली नहीं बता पा रहा, इसलिए तत्वदर्शी संत के लिए ऑप्शन छोड़ दिया, क्यों? तत्वदर्शी संत इसके सभी कंप्लीट पार्ट्स को बताएगा, तना कौन भगवान है, डार कौन भगवान है, और शाखा कौन स्वामी है। तो यहाँ परमात्मा ने, कबीर जी ने बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है जिसको परब्रह्म भी बोलते हैं,
गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन प्रभुओं की जानकारी है। एक सर्वपुरुष, ये काल है, ब्रह्म है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी, और अक्षर पुरुष, ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। और 17वें श्लोक में, 15वें अध्याय के श्री श्रीमद्भगवद गीता में 17वें श्लोक में कहा कि वो उत्तम पुरुष है, तू अन्य परमात्मा इति उदारते, वो वास्तव में श्रेष्ठ परमात्मा इन दोनों से ही कोई और है, सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष से। वो गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि भगवान आपने अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में जिस तत्वर्म के बारे में जानकारी दी है कि उसको जानने के बाद सारे अध्यात्म कर्म से परिचित होने के उपरांत और सभी कर्मों को जान लेने के उपरांत वो संत, वो भक्त केवल जरा और मरण से ही छूटने की कोशिश करता है, प्रयत्न करता है, वो इस संसार की कुछ भी वस्तु की मांग नहीं करता, डिमांड नहीं करता। तो वो तत्परम क्या है? 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र का उत्तर 3रे मंत्र में दिया है गीता ज्ञानदाता ने। वो कहा है वो परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, तो सर्वपुरुष ये काल है और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है। परब्रह्म कहो चाहे इसे अक्षर पुरुष कहो, और इस सर्वपुरुष को सर्वब्रह्म कहो और चाहे ज्योति निरंजन काल कहो या अकेला ब्रह्म कहो, क्योंकि ये ब्रह्म प्रसिद्ध हो रहा है। और 3रे नंबर का जो परम अक्षर ब्रह्म है वो जड़ है, वो मूल है सबका। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदारते, ये लोग चरणम आविश्य विभर्ति अवैश्वर। वो श्रेष्ठ प्रभु, वास्तव में सही भगवान तो कोई और है जिसे परमात्मा कहा जाता है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अब पूरे संसार रूपी वृक्ष की मूल परम अक्षर ब्रह्म है जड़, और जड़ से ही आहार तना में, तना से डार में, डार से शाखा में, शाखा से पत्तों में। तो पुण्यात्माओं, हम तो पत्ते समझो, पात रूप संसार है इस संसार रूपी वृक्ष के, तो हम इन ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी टहनियों से संबंधित हैं, इनसे आगे हमें आहार मिलता है। लेकिन वो आहार आता कहाँ से है? वो जड़ से आता है, और हम अपनी अज्ञानता से जो ब्रह्मा विष्णु महेश से हमें लाभ मिल रहा है, हम ये सोच बैठे कि यही सब कुछ है, हमने मूल भगवान को भुला दिया, इन टहनियों को ही हम इनकी सेवा करते रहे, इनका सत्कार करते रहे और मूल की पूजा की नहीं, सिंचाई नहीं की, जिस कारण से हमारा भक्ति रूपी पौधा विनाश हो गया, नष्ट हो गया। अपने आत्मा, जैसे हम आम का पौधा लाए तो उसको कैसे बीजा जाता है, देखिएगा, प्रॉपर वे ऑफ प्लांटिंग, ये है वो सही तरीका एक पौधे को बीजने का। जड़ को गमले या मिट्टी में खोद के उसमें लगाया जाता है, जड़ नीचे गाड़ी जाती है मिट्टी में, और उसकी फिर जड़ की सिंचाई की जाती है, पूजा की जाती है। तो जड़ से आहार गया, तना में इस अक्षर पुरुष में परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करेंगे तो यहाँ से हमारे शुभ संस्कार बन के तना रूपी अक्षर ब्रह्म में जाएंगे, अक्षर पुरुष में, और फिर तना से इस मोटी डार रूपी सर्वपुरुष में जाएंगे। यहाँ से चला ये आहार, यहाँ गया, फिर तीनों गुण रूपी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी इन शाखाओं में जाएंगे। यहाँ से फिर हम यहाँ पत्ते हैं, पात रूप संसार, तो यहाँ इनको तभी मिलेगा जब हम इन टहनियों से जुड़े रहेंगे। कोई कई कहते हैं कि रामपाल महाराज तो जो है इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा छुड़वाता है, इनको अनादर करता है। नहीं, ये हमारे अभिन्न अंग हैं, इनको ना छोड़ा जा सकता। और हम कर क्या रहे हैं? दास ये कहता है कि हम इनकी पूजा शुरू कर दी ये सोच कर कि टहनियाँ का फल लग रहे हैं और मूल को छोड़ दिया, हम ऐसे कर रहे हैं, ये गलत करना शुरू कर दिया।
हमने इस भक्ति रूपी आम के पौधे को उल्टा बीज दिया। अब नीचे को तो टहनी कर दी, गमले में गाड़ दी और इनकी पूजा शुरू कर दी और इस जड़ को छोड़ दिया। अब परमात्मा कहते हैं अपनी वाणी में, एक कैसा दे सब सदे, सब साधे सब जावे, माली सिंचे मूल कू फले फुले गाए। कहते हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो मूल की पूजा करता है, मूल को सींचेगा जिससे ये पूरा पौधा पेड़ बन जाएगा, फिर फले और फूलेगा, फल लगेंगे यानी भक्ति रूपी लाभ हमें प्राप्त होगा। पुण्यात्माओं, जब तक हमें तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक हम भक्त भी नहीं होते। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जब तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले ज्ञानों से हटकर, प्रवचनों से वचनों से हटकर एक परमात्म तत्व के ऊपर स्थिर हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तू भक्ति प्राप्त होगी तुझे, यानी तू स्टार्ट करेगा, तेरा एडमिशन होगा, तब तक तू भगत बनेगा। और जब तक ये भ्रमित करने वाले वचनों से भ्रमित होकर कोई कोई पूजा करता है, कोई कुछ करता है, तब तक आध्यात्मिक लाभ आपको बिल्कुल प्राप्त नहीं होगा। तो पुण्यात्माओं, यह आप जी का बड़ा सौभाग्य है, आप बालक हो, ये समझो कि आप पेशेंट हो और ये दास डॉक्टर बना दिया इस जन्म मरण के रोग के नाश करने वाला। इस दास को पता है आप जी को कितना दीर्घ रोग है, दास को ये भी मालूम है आपका कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जब से आपने परमेश्वर के द्वारा बताई गई यथार्थ भक्ति प्रारंभ की है, उसके बाद आपके अंदर कितना परिवर्तन और कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है ये शायद आप नहीं समझ सकते, ये दास समझ सकता है, क्योंकि डॉक्टर को पता होता है। पुण्यात्माओं, जैसे किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होगा, टांग टूट गई और साथ में जख्म होगा, ब्लड आवक गणा, तो डॉक्टर के पास जाते ही वो क्या करेगा, सबसे पहले तो उस ब्लड ने रोकेगा ताकि यो ब्लड का स्राव जो है, रक्त का स्राव बंद हो, और तब तक यदि उसको पीड़ा हो रही है व्यक्ति को फ्रैक्चर होने से, तो वो ये सोचता है कि ये तो दुख बाद में देखूंगा, इसका कष्ट पहले इस ब्लड के रक्त के स्राव को बंद करना अनिवार्य है, नहीं तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो वो मरीज यू सोचा कि अच्छा डॉक्टर है, इसने तो मेरी जान निकलन हो रही है, इसने कोई इसका व्यवस्था नहीं की, इसको छेड़ता ही नहीं है, तो डॉक्टर उसकी प्रभाव क्रिया नहीं करे और कहता है ठीक हो जाएगा, अभी करता हूँ अभी करता हूँ। तो पुण्यात्माओं, ऐसे ही आप जी जब यहाँ आते हो, परमात्मा की शरण में आते हो, तो परमेश्वर कबीर जी आप जी का ट्रीटमेंट अपने हिसाब से करेंगे। आप किसी वस्तु की डिमांड लेकर आते हो और मालिक को पता है कि 10 दिन के बाद इसकी जान जानी है, इसका जीवन नहीं है, तो वो परमात्मा आपके उन जो डिमांड आप लेकर आए को पेंडिंग कर देगा, आपके जीवन का एक्सटेंशन करना जरूरी होता है उसके लिए। आप समझ नहीं पाते हैं, आप उस डिमांड के ना होने से आप नाम खंडित कर देते हो, मन में दोष ले आते हो, मैं 3 बार आ लिया, मैं 4 बार आ लिया, मैंने पाठ भी करा लिया, रिन्यू कर लिया, 100 उलाने दे देते हो, आप बालक हो। लेकिन वो परमात्मा आपकी नहीं सुनेगा, आपकी वह डिमांड पूरी कर दी, 10 दिन पाछा मर गया, फिर क्या डिमांड होया वो? आप जी को परमात्मा चाहता है कि यहाँ से मोक्ष करूँ, मुक्त करूँ, आपको पीछा छुड़वाऊँ, तेरा असंग जन्म हो गए, यहाँ धक्के खाते ने असंग जन्म हो गए, ये डिमांड करते करते ये पूरी ना हुई, इतने मृत्यु बोले हैं। एक कवि ने एक भजन बना रखा है,
आया बुढ़ापा बे।